दोस्तों, क्या आप भी कनाडा जाके जॉब करना चाहते हैं? क्या आप भी कनाडा में जाके सेटल होना चाहते हैं, अच्छा खासा पैसा इनकम करना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज का इस वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए। चाहे आप पढ़े लिखे कम हो, चाहे आप ज़्यादा पढ़े लिखे हों, चाहे आपका एक्सपीरियंस कम हो या बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, कोई भी कनाडा जा सकता है और वो सभी को आज का वीडियो पूरा देखना चाहिए। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपका भी सपना हो कनाडा जाने का और आपके मन में डर है कि आपके पास बहुत सारा पैसा नहीं है और पैसा सामने रोड़ा पड़ रहा है, तो दोस्तों आज के वीडियो से आपको जानने को मिलेगा कि भाई आप सिंपली 30% पैसा यहाँ दे सकते हैं और 70% जो बच जाएगा अमाउंट वीज़ा चार्जेस एजेंट चार्जेस का, तो आप वो कनाडा पहुँचने के बाद दे सकते हैं। जी हाँ, अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं, आपके पास पैसा नहीं है और पैसा बीच में रोड़ा आ रहा है, समझ रहे हैं आप? आप ये सोच रहे हैं कि यार मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं कनाडा कैसे पहुँच सकता हूँ? तो दोस्तों आज मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ 30% पैसा यहाँ पर देना है, यानी कि जहाँ से आप अप्लाई करेंगे, और 70% अमाउंट जो है दोस्तों आप वहां पहुंचने के बाद आपका सैलरी से कटेगा। कैसे पूरा प्रोसेस होता है, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कैसे आप जा सकते हैं, आगे पूरा वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ में आए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर आप पहले बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हर दिन लेके आता हूँ। तो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कनाडा का नाम जहन में आते ही, दिमाग में आते ही ये लगता है कि यार अब मेरा सपना पूरा होने वाला है। जैसे ही आपको एजेंसी वाला फोन करता है और कहता है कि हमारे पास अभी कनाडा का वैकेंसीज है और आप जा सकते हैं, ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ 30% अमाउंट यहाँ पर पे करना होगा और 70% अमाउंट जो बच जाएगा वो आप वहाँ जाने के बाद आप पे कर सकते हैं। और ये बात जैसे आप सुनते हैं आपको लगता है कि भगवान ने मेरा सुन ली और आज मैं तो जा सकता हूँ, सही है कि नहीं? लेकिन क्या सच्चाई है दोस्तों? पहले आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, एक रियलिटी, एग्जांपल नहीं है, रियल स्टोरी दिखाता हूँ। मेरा बहुत व्यूअर्स हैं जो इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तान से, श्रीलंका से हैं, गल्फ के सभी देशों में हैं, इसके अलावा अभी बहुत ज़्यादा क्रोएशिया में, रोमानिया में, माल्टा में, सभी जगह मेरा व्यूअर्स बढ़ रहे हैं। और दोस्तों ज़्यादातर जो लोग हैं जाना चाहते हैं वो है नेपाल से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तान से हैं। और आज ही आपको मैं एक रियल स्टोरी बता रहा हूँ, वो है नेपाल का। नेपाल का एक मेरे व्यूअर के साथ भी ऐसे ही हुआ है, उन्होंने जब अप्लाई किया कनाडा में दोस्तों जॉब्स के लिए, जो जॉब है फ्रूट पैकिंग जॉब्स का कनाडा में, सैलरी आपको दिखाता हूँ मैं कितना मिल रहा है उनको, और ऑफर लेटर आ चुका है, ठीक है। अब उनका वीज़ा प्रोसेस में जा रहा है, ठीक है, और आसानी से जॉब उनको भी मिल गया है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये है वो ऑफर लेटर एजी फूड्स का, डेट ऑफ इशू है 19/5/2023, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पर उनका ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, ठीक है, और ये जो है कंपनी का नाम है दोस्तों, एटवुड कनाडा, ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं ध्यान से, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, यहाँ पर अगर आप देखें जॉब प्रोफाइल फूड पैकिंग, ठीक है, सैलरी दिया है $2100 पर मंथ। दोस्तों यहाँ वर्किंग आवर्स है 48 आवर्स, यानी 6 दिन काम करना है, यानी कि एक दिन में 8 घंटा, 8x48 48 आवर्स इन ए वीक काम करना है। फूड प्रोवाइड बाय ड्यूटी मिल्स, ठीक है, प्रोवाइडेड बाय कंपनी। एकोमोडेशन प्रोवाइडेड, इसमें है क्वाड शेयरिंग रूम्स दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है 2 ईयर्स का। प्रोबेशन पीरियड है 90 डेज का, यानी 90 दिन का। बहुत लोगों को प्रोबेशन पीरियड का मतलब पता नहीं होता है, ठीक है, इसके लिए मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, या सिंपली बता देता हूँ, प्रोबेशन का मतलब होता है कि आप उस दिन तक टेम्परेरी रहेंगे, इसके बाद आपका जॉब जो है परमानेंट होता है, ठीक है, उसको प्रोबेशन बोलते हैं। 90 डेज तक आप प्रोबेशन में रहेंगे। ज्वाइनिंग डेट है अक्टूबर 2022, ठीक है। तो दोस्तों ये है डिटेल्स, आप देख सकते हैं, ये जो है ये डिटेल्स है आपका जॉब्स का, ठीक है, ये है जॉब्स का, ये ऑफर लेटर इनको मिला है। अब ये भाई साहब इनको ऑलरेडी 64,000 पे कर चुके हैं, ठीक है, कितना, 64,000। तो दोस्तों आपने देख लिया ऑफर लेटर, ठीक है, इस तरह से ऑफर लेटर आता है और आपका एजेंट कहता है कि 30% आपको पैसा यहाँ पर पे कर देना है और बाकी 70% जो अमाउंट है आप वहाँ जाने के बाद पे करेंगे,
ठीक है, अब आप खुश हो जाते हैं क्योंकि आपको आया था ऑफर लेटर, फिर आपको बोला जाता है कि भैया आप 90,000 पे करो और आपका वीज़ा प्रोसेस चालू हो जाएगा, फिर आपका जो बैलेंस अमाउंट है आप वहाँ जाके पे कर सकते हैं। लेकिन बहुतों को पता चल ही गया होगा जो मुझे फॉलो करते हो या जो मेरे वीडियो देखते हो, कि आप कैसे चेक कर सकते हैं आपका फेक ऑफर लेटर, फेक वीज़ा, फेक वर्क परमिट। ठीक है, इन्होंने जब मेरा वीडियो देखा तो मुझे ये कॉल किए, अपना काउंसलिंग बुक कराया और मैंने इनका डॉक्यूमेंट जो है चेक किया, उनको बताया कि ये पूरा पूरी फेक है और आपका जो 64,000 रुपया है वो शायद डूब चुका है। और जब इन्होंने अपना जो एजेंसी वालों को फ़ोन किया तो तब भी बोल रहे हैं कि नहीं ये ओरिजिनल है और आप जल्द से जल्द 92,000 या 93,000 रुपये फटाफट पे कर दीजिए ताकि हम आपका वीज़ा भेज सकते हैं। तो मैंने कहा अगर आपने इनको 90,000 रुपये दिया तो कहीं ना कहीं आपका पैसा डूब जाएगा वो, क्योंकि मैं जानता हूँ इस तरह का ऑफर लेटर आता ही नहीं है, ये फेक ऑफर लेटर है। दूसरी बात, जब भी आपका एजेंसी ये कहता है, दोस्तों मैंने बहुत लोगों को सुना है, बहुत लोग मुझे पूछते हैं जब मेरे वीडियो देखते हैं, क्या हम आधा पैसा यहाँ पे करेंगे आधा पैसा वहाँ पे करेंगे, ठीक है तो हम जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर ऐसा कोई कहता है आपको कि आप आधा पैसा यहाँ पे करें और आधा पैसा वहाँ पे करें, वो 100% फ्रॉड है। क्यों, इसका कारण मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, लेकिन ऐसा जो भी कहता है उसको कभी भी ट्रस्ट मत करना। ओके, पहली बात तो ये ऑलरेडी 64,000 पे कर चुके थे और बाकी 90,000 परसों पे करने वाले थे, लेकिन मुझे जब इन्होंने कॉल किया, काउंसलिंग लिया, फिर मैंने जब बताया उनको पूरा समझाया कि कैसे होता है, तो वो अपना 90,000 बचा चुके, 90 या 93,000 बचा लिए। ठीक है, तो दोस्तों अगर ऐसे आपके साथ भी होता है तो प्लीज़ ध्यान दीजिए, किसी को ऐसा पैसा बिल्कुल भी पेमेंट मत कीजिए, अन्यथा नुकसान आपका ही होगा। ठीक है, आप मेरा प्रीवियस वीडियो जाके देखें कि फेक ऑफर लेटर, फेक वीज़ा, फेक वर्क परमिट कैसे होता है, कैसे आपको चेक करना चाहिए, कैसे आप बच सकते हैं, जाके वीडियो को ज़रूर देखें। अगर ये बंदा जो नेपाल से हैं मेरा वीडियो नहीं देखते तो कहीं ना कहीं इनका 90,000 रुपये भी चला जाता। 2,000 पे करके इन्होंने काउंसलिंग बुक कराया, ठीक है, मेरे से जब बात हुआ एक घंटा उनको तसल्ली मिला, उनको समझ में आया कि जॉब होता कैसा है, कैसा प्रोसेस करते हैं, कैसा जॉब में जा सकते हैं, तब इनको लगा कि हाँ यार मैं तो कहीं फंस रहा था, ठीक है, और कहीं ना कहीं इनको लगा कि मेरा 90,000 बच चुका है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ सतर्क रहें, अपना पैसा बचाएं, नहीं तो आपका पैसा भी डूब सकता है। अब समझ में आया, कोई भी एजेंसी आपको ये बोलता है कि आधा पैसा यहाँ आधा पैसा वहाँ दें तो उनको बिल्कुल भी भरोसा मत करना, कहीं ना कहीं वो आपको अपना ट्रैप में फंसा रहे हैं। दोस्तों आपका पैसा कोई गारंटी नहीं होगा, ना ही जॉब का, ठीक है, तो ये सबसे बच के रहें। आशा करता हूँ आज के वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको रियलिटी दिखाया और बहुत सारी चीज़ें उनका जो जो भी बात हुई है वो सब दिखाऊंगा तो आप परेशान हो जाओगे, तो सब मैं नहीं दिखाना चाहता, मैं बस आपको ये दिखाना चाहता था कि भाई आप जान लें कि आपको जैसे इस तरह का कन्वर्सेशन होता है, इस तरह कोई अगर पूछता है आपको या बोलता है तो उस पर बिल्कुल ध्यान मत दें, अन्यथा आपका पैसा डूबेगा। दोस्तों सतर्क रहें, स्वस्थ रहें, आज के बस इतना ही, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, मिलते हैं इसी तरह के और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाज़त, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।